हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दिनों के बाद जा कर के निफ्टी स्लोली स्लोली 2 दिनों के अंदर में अच्छा खासा तेजी के साइड में क्लोजिंग हुआ है, 20 DMA के ऊपर और 50 DMA को रीटेस्ट करने के लिए तैयार है। बाजार में अगर नीचे आता है, एक्सपायरी जो है ऊपर साइड में ही कटेगा, 15,000 भी आ जावे क्लोजिंग बेसिस पे मुश्किल है, और 1 दिन एक्सपायरी के लिए मे भी आ सकता है। क्या करना चाहिए? नीचे अगर मिले 14,700 के ऊपर, फ्यूचर और कैश का लेवल एक ही है, 8 पॉइंट का डिफरेंस है, आप प्लस माइनस कर सकते हैं। फ्यूचर का लेवल दिख रहा है आपके सामने, ये फ्यूचर का लेवल 695 और लगभग कैश का भी लेवल आप मान सकते हैं 8 पॉइंट प्लस माइनस करके, 700 के लेवल के ऊपर इंट्राडे ब्रेकआउट होगा। लेकिन क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर किसी कारणवश नीचे आता है, गैन एंगल के बेसिस पे निफ्टी 630 620 के आजू बाजू बॉटम बनाता है, 590 नहीं टूटता है, तब तक ट्रेंड अप है और अप रहने के चांसेज है। नीचे आता है और 640 के ऊपर दोबारा से निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 730 740 750 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। आज हो सकता है कि बैंक निफ्टी में बहुत जोरदार तेजी देखी जाए, उसके साथ निफ्टी में भी तेजी देखी जाएगी, जिस तरीके से कल रिलायंस पर मेरा व्यू कल बाई के लिए था, बहुत लोगों ने खरीद कर पैसा कमाया होगा। L&T, रिलायंस, ये सारे स्टॉक, दिग्गज स्टॉक पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो निफ्टी का कुछ भी लेवल आ सकता है। और बैंकिंग में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, अगर ये लीड करेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों को ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे। और एक्सपायरी कहीं ना कहीं जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण एक्सपायरी में कुछ भी लेवल आ सकता है, 15,000 तक का भी लेवल आ सकता है। क्या करना चाहिए? डिप में रिस्क 0 to 0 के पर्पज से 14,700 के कॉल ऑप्शन एक लॉट बाई करके, जिन लोगों ने पैसा कमाया है एक लॉट बाई करके छोड़ सकते हैं। नीचे आवे तो बाकी इंडेक्स को बाई करते हैं, 590 क्लोजिंग बेसिस पे, 570 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा करके आप होल्ड कर सकते हैं इंडेक्स को भी। निफ्टी में यही व्यू है। बैंक निफ्टी 33,300 और 33,300 ब्रेकआउट हो जाएगा तो और भी तेज हो जाएगा। ये तेजी शॉर्ट कवरिंग तक चलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि आने वाले उसके बाद निफ्टी क्या करेगा, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी शॉर्ट कवरिंग का, जोरदार शॉर्ट कवरिंग होने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ओवरऑल उसी तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करना चाहिए। पीएफसी में मैंने बोला था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, और पीएफसी में पूरा दिन ठंडा अवस्था में रहने के बाद जोरदार बाउंस देखा गया, और आज और भी ज़्यादा तेजी देखी जाएगी। अगर मैं आज बात करूं स्टॉकों का, तो आज जो फंडामेंटल कैश के स्टॉक को बात करूंगा, कि एफओ में पीएफसी हो गया और एलएनटी हो गया, इन सारे स्टॉकों पे देख सकते हैं। लेकिन कैश के स्टॉक को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कैश के स्टॉक में आज जो मुझे तेजी दिख रहा है, आज सबसे अच्छा स्टॉक GMDC, जो मैंने पहले बोला था, वो एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के पर्पज से। इस बाजार में वही पैसा कमाएगा जिसका व्यू लॉन्ग टर्म के पर्पज से खरीदे और होल्ड करे। और आज एक कंपनी है GSFC, GSFC, GSFC का लेवल एनालिसिस मैं करूंगा। GMDC भी अच्छा है, GSFC में बहुत अच्छा तेजी देखी जा रही है। GSFC यहां से निकल लेते हैं।
जीएसएफसी 108, 105 और 104 रुपए की तेजी की तैयारी कर रहा है, जिसका क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट 94.60 पैसे का है। ये स्टॉक वीकली बेसिस पे आज ब्रेकआउट भी करेगा, सस्टेन भी करेगा और 99, 102, 105 रुपए तक का भी मूवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, इस हफ्ते में देखा जाए। और इसका ट्रेंड अप है, इसका ट्रेंड अप है और आज 96 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा और ब्रेकडाउन वाला कोई सवाल नहीं है, 93 के नीचे का चांसेस नहीं है कि 93 के नीचे जाए। बाजार रिवर्स भी करेगा तो फर्टिलाइजर में जीएसएफसी मुझे अच्छा दिखता है। आज के लिए स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, आज हमारे लिए जीएसएफसी पे ध्यान देना चाहिए। और एफओ के शेयर में पीएफसी की अगर बात करूं तो स्टॉक बहुत सारे हैं, इस जो जो सारे जो मंदी में जिन स्टॉकों में ब्रेकआउट में शेयर कर रहा था पिछले दो हफ्ते से, उन स्टॉकों में तेजी अभी चालू हुआ है। भेल में तेजी चालू हुआ है, भेल 52 रुपये का भाव हो जाएगा। आईटीसी में ये हो सकता है, ये स्टॉक उतना फेवरेट नहीं रहा, 212, 218 रुपये तक भी जा सकता है। अभी ये वीकली बेसिस पे 222 का लेवल ब्रेक करेगा, वो उसी में से है, आप इसको ले करके इन्वेस्ट करके लिमिटेड क्वांटिटी इन्वेस्ट करके लेके बैठे रहिए, कभी चल गया तो चल गया, लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी। और इंडियन ग्लाइको कल परसों फ्राइडे को व्यू दिया था मैंने इंडियन ग्लाइको का, किधर गया आपका, हाँ देखिए इंडियन ग्लाइको 20 रुपीज में एक दिन में ही 20 रुपीज राइज किया और इसका 474 और 500 के आसपास इसके मेजर टारगेट हैं, तो ये 4 रुपीज मूव किया है। तो और दूसरा नेक्स्ट स्टॉक जो हमने डिस्कशन करना था पीएफसी, तो स्टॉक एसपीएसपी की ध्यान दीजिए, पूरा बाजार लूटने की जरूरत नहीं है, जितना ताकत है उससे ज़्यादा एग्रेसिव होकर के पहले से ले रखा है प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, पार्शली प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, एक बार में बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगा स्टॉक। पीएफसी में मेरे को अच्छा तेजी दिखता है, 116 रुपये का भी भाव आ सकता है, 108 रुपये 52 पैसे ये ब्रेकआउट लेवल है, वहीं क्लोज हुआ है। 112 रुपये के टारगेट वीकली बेसिस पे T4 एक मेजर रेजिस्टेंस है, आज के लिए 111 रुपये पार कर जाएगा, 113 रुपये तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। नीचे सपोर्ट जो है 106 रुपये पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल मौका भी मिला था, पूरा दिन मौका मिला और शाम में फर्स्ट एक घंटे पहले इसमें एक अच्छा खासा राइज होना शुरू हो गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान देना है और इंडेक्स में ऑप्शन बाई करके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन एक्सपायरी तक बाजार, और आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखे जाने की संभावनाएं हैं, 15,000 में निफ्टी आ जाए तो हैरान नहीं मानना चाहिए, लेकिन 14,570 ये इम्पोर्टेंट है। तेजी जो है निफ्टी का नीचे का लेवल कट गया, 18 मई तक तेजी है लेकिन बीच बीच में डिप भी मिलेंगे, तो अभी ऐसा नहीं कि तेजी बिल्कुल 16,000 आने वाला है, मार्केट में बस कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, बड़े निवेशकों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ ऐसा हो इसलिए रहा है। और बीच में जब मंदी हो रही थी मैं तेजी की बात इसीलिए कर रहा था कि, और बोला भी था कि स्टॉक भर भर के ले रखा है, मार्केट में फ्लोट करने के लिए टाइम चाहिए होता है और जब तक रिटेलर तेजी में नहीं आएंगे वो स्टॉक उनके हाथों से निकलेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक अच्छे लेवल के ऊपर भी जाने, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं बहुत सारे स्टॉक लाइक सेल, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं उसमें डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये सब बन रहा है और जिनमें बाकी है उनमें बनने वाला है, इस कारण से जब तक ये माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा तब तक अच्छी वाली मंदी नहीं आएगी और ये साल ऐसे ही रहने वाला है। जहाँ से आपको लगेगा कि जोरदार तेजी है, अब 15,000 के आसपास, 14,950 के आसपास सारे लोग तेज
तेजड़िया तेजी करने लगेंगे, वहीं पे मार्केट रिवर्स कर जाएगा, 200 पॉइंट भी गिर जाएगा तो हाहाकार मच जाएगी। तो इस तरीके से बाजार चल लेगा। तो इसलिए अपने फेवरेट काउंटर पे बने रहिए, उसी को निचले लेवल पे बाई कीजिए, ऊपर के लेवल पे सेल कीजिए। अब पार्सली इन स्टॉकों को, PFC का भाव अगले 10 साल में 2000 रुपये का भाव हो जाएगा। 2000 का नहीं होता है, 1000 रुपये का भी होता है, 1000 का नहीं होता है, 500 का भी होता है, तो बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिलने वाला है। आज ये भाव पे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 1000 रुपये का भाव हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, और फिर ये दिन याद आएगी तो। और ये फ्री में मिल रहा है। अब मेरा व्यू है ये, बाकी अपना स्टडी एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।